अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर ये प्रॉन्स साफ़ कर रही हूँ। ये जो प्रॉन्स है बाहर से तो भाप के भजन साफ़ करके लाए थे, लेकिन फिर भी अंदर जो गंदगी रहती है उसको अपने को एक नस्टर मार के उसके अंदर का जो गंदा है काला जो आप देखे मैं निकाली सो वो साफ़ करना पड़ता अपने को। ये देखिए, अब उसके बाद में प्रॉन्स साफ़ करने के बाद अपने वास्ते थोड़ी चाय बना ली, इलायची वाली चाय बना ली। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा हमारा वीडियो, तो आप देखते रहिए। देखिए मैं इलायची की चाय बना रही हूँ, और ये चाय पीने के बाद फिर मैं वो प्रॉन्स जो मैं अच्छे से साफ धो के करके रेडी रखी उसको मिलाएंगे हम मसाले। तो चलिए सबसे पहले अपन पीते हैं चाय। ये हमारी चाय रेडी है, आइए आप भी चाय पीने के लिए। काम शुरू हुआ तो चाय पीना ज़रूरी है फ्रेंड्स। चलिए ये देखिए मेरे प्रॉन्स पूरे अच्छे से साफ़ हो गए, मैं पूरा क्लीन कर ली, धो दी। अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा चमचा, एक से डेढ़ चमचा अदरक लहसुन डालूँगी इसमें, और एक चमचा हल्दी डालूँगी छोटा चमचा, और इसमें डालूँगी लाल मिर्ची दो से अढ़ाई चमचे, क्योंकि थोड़े क्रिस्पी है तो थोड़े स्पाइसी भी रहना ज़रूरी है। और इसके साथ डालूँगी नमक, क्योंकि ये प्रॉन्स थोड़े से खारे होते हैं इसलिए अपने को नमक हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स आप भी अपने हिसाब से डालिए। ये देखिए मैं बड़ा एक चमचा सालन का अपने एक चमचा कॉर्नफ्लावर डाल दी इसमें। कॉर्नफ्लावर के बाद डालूँगी मैं इसमें क्या डाली मैं इसमें फूड कलर शायद नहीं, ये गरम मसाला मेरा घर का होममेड गरम मसाला है ये, मैं वो डाल डाली। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें फूड कलर, फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते, नहीं तो स्किप भी कर सकते, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें डालूँगी एक बड़ा नींबू का रस। ये देखिए एक बड़ा नींबू का रस डाल दूँगी इसमें, डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी डेढ़ से दो घंटे। मैं तो एक घंटा ही रखना चाह रही थी, लेकिन मेरे को अचानक आपके भाईजान के साथ जाना पड़ा सामान लाने, घर के थोड़े सौदा ख़त्म हो गया था तो लाना जाना था डी मार्ट को, हम लोग वहीं चले गए थे, तो ये अच्छे से रेस्ट हो गया। ये देखिए मैं इसको ढाप के रख दी, एक घंटा बोली लेकिन एक घंटे से ज़्यादा हो गया, तीन घंटे हो गए थे। ये देखिए हम लोग पहुँच गए डी मार्ट घर का सामान लाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, घर के थोड़े छोटे मोटे सामान रहते अपना यूज़ का जो डेली का सामान था वो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा बहुत ही लेके आया, ज़्यादा नहीं। और बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो गया था तो वहाँ से वहाँ बच्चों को ले लेके ही हम लोग डी मार्ट चले गए थे। आप देख सकते हैं साजिद मेरे साथ है। ये देखिए अब डी मार्ट में आएंगे तो साजिद को तो जैम कंपलसरी है, जैम और लेस। लेस तो मैं फिल वक्त नहीं ली, लेकिन आप देख सकते हैं मैं जैम ले ली यहाँ से, साजिद को जैम होना ज़रूरी है। ये देखिए ये तो न्यूट्रला की कर रहे थे मांग, लेकिन मैं जैम पे उनको टला डाली, क्योंकि उनको थोड़ी सी खांसी ज़्यादा है इसलिए मैं सिर्फ जैम ली। ये देखिए हमारा शेख पेट पे है जो डी मार्ट है, ये वहाँ का डी मार्ट है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही लेती हूँ हर चीज़। तो ये देखिए हम लोग हो रहे वापस घर के लिए। मार्ट से निकलने के बाद सो होने के बाद हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो आपके भाईजान ऑयल लेने गए थे गाड़ी का, तो थोड़ा सा चांस मिल गया था इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये वीडियो कैप्चर कर लिए। और हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और पीछे देख सकते हैं मेरा सामान रखा हुआ है, बच्चों के बैग्स रखे हुए हैं। तो अब हम लोग आ गए हमारे घर। घर पर आने के बाद शुरू हो गया प्रॉन्स का प्रोसेस, और ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया और मसाला भी ज़बरदस्त तरीके से मिल गया था, क्योंकि दो से ढाई घंटे से ढाई घंटे या तीन घंटे कुछ हो गए थे फ्रेंड्स आने के बाद। फिर ये डिनर में हम लोग ये कर बना लिए थे, तल लिए थे,
तो ये देखिए थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है इसीलिए जल्दी जल्दी दिख रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तेल उछला इसमें, बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। ये देखिए फर्स्ट बैच है, थोड़े वो दो जो फर्स्ट डाली थी मैं गरम तेल था इसलिए जल्दी ज़्यादा जल जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को जल्दी साइड में कर दी मैं। उसके बाद में ये हो गए, ये हमारा प्रोसेस रेडी है, चालू है। अब इसके बाद में फिर मैं एक नया सेकंड बैच डालूंगी। सेकंड बैच डालने के बाद हमारे प्रॉन्स रेडी है क्रिस्पी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सेकंड बैच भी रेडी है, डाल दी मैं इसमें। अब बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही है इसका प्रोसेस प्रॉन्स फ्राई का। बहुत क्रिस्पी बने थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, आप भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए। और हरा मसाले की बात जो रही, मैं सामान लाने तो गई थी लेकिन हरा मसाला भूल के आ गई थी, इसलिए मैं इसमें हरा मसाला बिल्कुल भी नहीं ऐड करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था, घर के मसालों से ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था फ्रेंड्स। बोलते हैं ना घर में जो भी है जैसा भी है बनाओ खाओ, मेरा वैसी है। अभी बच्चे भी आ गए थे स्कूल से लाने के लाए तक ही, बच्चों का मदरसे का टाइम हो गया था, इसलिए वो लोग बच्चे जल्दी जल्दी आए, ड्रेस चेंज करे, थोड़ा सा खाना खाए, साढ़े चार पौने पाँच हो गए थे, इसलिए शायद तुम्हें भेज के मैंने मंगा सकती थी हरा मसाला, इसलिए ये प्रोसेस मैं ऐसे ही कंप्लीट कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर हरा मसाले के भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बने थे। आप देखिए इसका व्यू, ये देखिए हमारा सेकेंड बैच भी रेडी हो गया, बिल्कुल ही क्रिस्पी अच्छे बने थे फ्रेंड्स। आप भी एक बार ट्राई करो और कमेंट में बताना कैसा बना, और कुछ कमी हुई तो वो भी बताना फ्रेंड्स। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।